नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के कोयला नगर धनबाद में कथित तौर पर एक शख्स ने साली के प्यार में पागल होकर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को हत्या में इस्तेमाल हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह घटना धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र की है, जहां आरोपी उत्तम देने कथित तौर पर नाबालिग साली के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी प्रतिमा देवी की गला काट कर उसने हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्या का आरोपी उत्तम दे अपनी पत्नी प्रतिमा देवी के साथ रहता था और इसी दौरान उसे पत्नी के नाबालिग बहन से प्रेम हो गया। आरोपी अपनी साली से शादी करना चाहता था, जिसमें उसकी पत्नी बाधक बन रही थी। ऐसे में उत्तर दे अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसने पत्नी को रास्ते से हटाने का फैसला किया। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोपी उत्तम दे ने अविनाश हल्दर और विकास राय उर्फ बाबा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। इसके बाद पत्नी को सड़क मार्ग से ले जाते हुए विकास राय ने रास्ता पूछने के बहाने गाड़ी रोकी और मुन्ना ने बाएं हाथ से महिला का मुंह बंद कर धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्यारे यही कहीं रुके और उन्होंने तड़पती महिला पर इसके बाद भी चाकू से कई वार की और जब महिला की मौत हो गई तो उसे जंगल में फेंक कर फरार हो गए। 23 नवंबर को लाश मिलने के बाद जब पुलिस ने छानबीन की तो सच सबके सामने आ गया। पुलिस ने हत्यारे पति के जुर्म स्वीकारने और हथियार बरामद कर लेने का भी दावा किया है। संवाददाता शिवशरण सिंह की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।